नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा ये गार्डन में जंगली चारे के बारे में आपको पूरी जानकारी। अगर आपके भी अगर इस प्रकार गार्डन में जंगली चारा हो रहा है तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें, और आपके गार्डन में कौन सा जंगली चारा हो रहा है कमेंट में ज़रूर लिखें, और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और सभी प्रकार की जो अलग अलग तरह की घास आती है जिसमें अलग अलग तरह का जंगली चारा होता है, और बहुत सारे इस गार्डन में जंगली चारे से परेशान रहते हैं, तो मैं आपको इस जंगली चारे के बारे में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें, और कुछ भी आपको अगर समस्या हो तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको इसका जानकारी मिल जाएगी। और चलिए मैं अब आपको बताता हूँ जंगली चारे के बारे में जानकारी। और आपके गार्डन में कोई सी भी घास हो भली, जिसमें अगर ज़्यादातर ये चारा जंगली चारा रहता है, और इसके अलावा एक ये मोटा घास रहता है, इसको एक बार उखाड़ने से ये और ज़्यादा फैलता है। अगर एक बार इसको हम यहाँ से तोड़ेंगे तो ये जड़ से नहीं आता है और ऊपर से ही टूट जाता है। ये मोटा घास है और ये बहुत सारी गार्डन में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे। इसके लिए आप सेमपरा दवाई का स्प्रे कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि गार्डन के अंदर सिर्फ ये मोटा घास ही सूखेगा, और उससे कोई सी भी घास हो उस पर कोई नुकसान नहीं होगा, और ये लगभग 7 दिन में आपके गार्डन में रिजल्ट आ जाएगा मोटा घास में। और अगर ज़्यादा पुराना मोटा घास है तो उसमें हर महीने में एक बार दवाई डालनी पड़ेगी। क्या होता है कि इसके नीचे एक मोते के नीचे लगभग 7 से 8 गाँठें रहती है, तो जिस पे दवाई गिरेगी ऊपर पौधे के वो तो जड़ से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसकी जो गाँठें रहती है वो और फुटान करती है आगे से आगे। इसमें अगर जितना पुराना मोता रहेगा उतना ज़्यादा और टाइम लगेगा। और लगभग अगर गार्डन में 50% से ऊपर अगर इस प्रकार जंगली चारा हो जाता है, जो आलस से ज़्यादा हो जाता है, उसको कंट्रोल करना भारी पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे लगभग 80% यहाँ पे जंगली चारा है ये, और उधर लगभग 30 से 40% है। तो इसको क्या है कि इधर का तो हम जड़ से उखाड़ सकते हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जड़ से, देखो जैसे यहाँ पे ये बहुत सारा उग रहा है, तो इसको क्या है कि इसे हाथ से थोड़ा से पकड़ के खींचेंगे तो लगभग ये देखिए 80% इसमें जड़ से उखड़ जाएगा जंगली चारा, और ये वापस फुटान नहीं होगा। और अगर आलस से ज़्यादा है तो आप मेरा कहतर दवाई आती है, उसका वीडियो भी आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, वो स्प्रे कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे अगर आलस से ज़्यादा जंगली चारा है तो यहाँ पे स्प्रे करने से वो जंगली चारा सूख जाएगा, और वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी हुई लगभग 2 इंच आपको उठानी पड़ेगी, और जिससे क्या होगा कि इसके ऊपर जो ये बीज रहते हैं, आपको मैं पास में लेके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लगभग बीज होते हैं जो ये वापस उगते हैं, बाकी वो मेरा कहतर जब आप किसी भी पौधे पे डालोगे तो लगभग वहाँ के सारे जंगली चारा या घास कोई भी होगा हरा पौधा वो सूख जाएगा जड़ से। और 2 इंच मिट्टी उठाने से क्या होगा आपके कि वहाँ पे जो भी और बीज होगा जंगली चारे के वो उगेगा नहीं वापस, और थोड़ा बहुत उगेगा तो वो हाथ से आप उखाड़ सकते हो, और वापस आप वहाँ पे 15 दिन बाद इस प्रकार कोई सी भी घास उखाड़ के वहाँ पे लगाओगे तो वो ग्रो हो जाएगी। और बहुत सारी जगह आपके एक ये जंगली चारा भी आता है, ये देखिए, ये भी अगर आलस से ज़्यादा है तो वहाँ पे आप मीरा गेतर का स्प्रे करें, और जहाँ जहाँ पे जंगली चारा है वहीं पे डालनी है आपको मीरा गेतर, क्योंकि वो दवाई सभी को सुखाती है, और लगभग 20 से 30% अगर जंगली चारा हो तो आप हाथ से उखाड़ लें, ताकि वो क्या होता है कि जो पौधा जंगली चारा हो कुछ भी, तो अगर जड़ से एक बार उखाड़ लेने से बार बार नहीं फैलती है तो वो उखाड़ने में फ़ायदा रहेगा। और इसमें एक ये भी है जंगली चारा, ये देखिए, ये नीचे से तो जंगली चारे की तरह ये मतलब पत्ते हैं, और ऊपर बहुत सारे फूल आ रहे हैं,
और इसमें भी आप इसको जड़ से उखाड़ ले एक दो बार, जिससे ये वापस ज़्यादा नहीं आएगा। और ये अगर समय पे अगर आप गार्डन में जंगली चारा उखाड़ लोगे तो धीरे धीरे वो वापस नहीं फैलता है। अगर आपके घर पे कोई गार्डन में काम करने वाला बागवान आता होगा तो वो आपको जानकारी ये भी बता देगा, या फिर वो खुद करेगा तो ठीक रहेगा। और बहुत सारे मेरे को कमेंट करते हैं कि ये जंगली चारे की दवाई बताओ, इसके बताओ। ज़्यादातर जंगली चारा देखिए, जो जंगली चारा हार्ड रहता है, जिसका इलाज उखाड़ने से नहीं हो सकता है, उसी की दवाई आती है। और या फिर हालत से ज़्यादा जंगली चारा हो जाए तो उस पर आप मीरा गत्र का स्प्रे कर सकते हो। जैसे इस प्रकार की हालत अगर पूरे गार्डन में है तो आप मीरा गत्र का स्प्रे जरूर करें। और अगर लगभग थोड़ा बहुत है तो उसको एक दो बार उखाड़ने के बाद वो वापस जंगली चारा नहीं आएगा। और यहाँ पे ये लगभग 5 से 6 महीने पुराना ये जंगली चारा हो रहा है, तो इसको हम धीरे धीरे सुधारेंगे। और अभी यहाँ का जंगली चारा उखाड़ने के बाद हम यहाँ पे देंगे मशीन लेकर आ गए हैं। जंगली चारा उखाड़ने के बाद हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। और इस मशीन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका वीडियो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो। और ये 3000 RPM पे मशीन चलेगी, जिससे ये गार्डन में फिनिशिंग में कटिंग होगी। और लगभग बहुत सारी गार्डन में अलग अलग तरह की घास होती है और अलग अलग तरह का जंगली चारा रहता है, तो अगर आलस से ज़्यादा है तो आप ये दो तरह की मैंने आपको दवाई बताई है, वो आप यूज में ले सकते हो। और अगला वीडियो आपको गार्डन में कौन सा खाद पानी डाले उसका वीडियो मिलेगा आपको। और ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले गार्डन से संबंधित जानकारी आपको नोटिफिकेशन मिलती है। और हाँ दोस्तों, मैंने एक बात आपको बताना भूल गया कि अगर आप अपने गार्डन में जो ये जंगली चारा उखाड़े तो गार्डन में गीला होना जरूरी है, जिससे क्या होगा कि जंगली चारा होगा जो वो जड़ से आराम से उखड़ जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पे उखाड़ा, और अभी हमारे यहाँ पे देखो बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश भी चल रही है यहाँ पे, सावन का मौसम है। और अगर आप सर्दी में या गर्मी में जंगली चारा उखाड़ रहे हो गार्डन में, तो वहाँ पर अगर गीला नहीं है तो एक दिन पहले अच्छे से गीला कर दे, जिससे जो जंगली चारा एक बार जड़ से उखड़ जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। और उखाड़ने के बाद इसको बाहर डालना है गार्डन से, जिससे क्या होगा कि इसके ऊपर जो ये बीज आते हैं ये और ज़्यादा नहीं फैलेंगे, और इस प्रकार धीरे धीरे आपका गार्डन मेंटेन हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, ये मैंने देखिए गार्डन में बहुत सारा जंगली चारा था, लगभग हमने इसके अंदर 80-85% हमने जंगली चारा उखाड़ दिया हाथों से, क्योंकि ज़्यादातर जंगली चारे की अलग अलग तरह की दवाएँ नहीं आती है। जो ज़्यादा हार्ड जंगली चारा होता है जो उखाड़ने से और ज़्यादा फैलता है, जैसे कि ये मोटा घास, और या फिर आलस से ज़्यादा अगर जंगली घास होता है तो उसमें आप मीरा गत्र का स्प्रे कर सकते हो। गार्डन से अगर जंगली चारा उखाड़ने से अगर सुधर जाता है तो उखाड़ने में फ़ायदा रहता है। और हम भी ऐसे हर महीने में एक बार जंगली चारा थोड़ा बहुत जो होता है उखाड़ लेते हैं। अगर टाइम पे जंगली चारा नहीं उखाड़ते हैं तो धीरे धीरे आलस से ज़्यादा फैलता है। और अगर आपके बागवान नहीं आता तो आप बागवान रखिए, जिससे जंगली चारा धीरे धीरे ज़्यादा नहीं फैलेगा, क्योंकि वो हर बार टाइम पे जंगली चारा उखाड़ता रहेगा। और हम खुद कहीं अगर जंगली चारा होता है तो हर बार उखाड़ते हैं। और यहाँ पे लगभग 5 से 6 महीने हो गए जंगली चारा नहीं उखाड़ा, इसलिए ये धीरे धीरे ज़्यादा फैल रहा था। और अब हमने यहाँ से ये देखिए इतना सारा ये जंगली चारा है जड़ समेत उखाड़ा हमने, और एक बाल्टी भरी है, और थोड़ा सा ये उधर पड़ा है ये देखिए। और इसी प्रकार हर महीने हम इसमें जंगली चारा उखाड़ते रहेंगे, धीरे धीरे ये एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत सारे कमेंट करते हैं कि इसकी दवाई बताओ, इसकी बताओ। ज़्यादातर जो हार्ड जंगली चारा होता है उसी की दवाई आती है, और जो एक बार उखाड़ने से ख़त्म हो जाता है तो उसकी दवाई नहीं आती है। अगर आलस से ज़्यादा है तो उसमें मीरा गत्र डलेगी, जिससे सभी सूखेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और मेरे नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और
आपको कुछ भी अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट में और लिख सकते हो आप।